अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग होंगे मज़े में, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पाकिस्तान इकोनॉमी वर्सेस इंडियन इकोनॉमी कंपैरिजन वीडियो फ्रॉम द चैनल प्रो फैक्ट्स। काफ़ी लोग कहेंगे कि कंपैरिजन तो भाई बनता नहीं, मैं यही कहने वाला, क्या जोक कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कंपैरिजन नहीं बनता, और हमें ये बात पता होती है किस चीज़ में कंपैरिजन बनता है, किस में नहीं बनता। जो कंपैरिजन वाली वीडियोस है ना, बेसिकली नॉलेज के लिए देखते हैं, नॉलेज के लिए देखते हैं, आपके साथ देखकर एक मज़ा आता है, फ़न के लिए देखते हैं, और उसके बाद अच्छे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक अच्छे वे में उस पर डिस्कशन करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखने के बाद हम हमारे क्या ख्याल आते हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, भारत जो कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी स्टेट है और आबादी के अभी तीसरी बनने वाली, दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, और हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाए। लेकिन इतने बड़े आबादी वाले मुल्क को चलाने के लिए भारत किस हद तक कामयाब रहा है, और भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को भी अपने मुल्क में लाने की शदीद ज़रूरत है, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और खुद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी स्टेट बन जाएगा। मैंने सुना था, अभी हमने तो रिपोर्ट के मुताबिक दो से लेके अब तक भारत के 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। लेकिन भारत के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और क्या भारत अब चाइना की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ने जा रहा है? दोस्तों, इन सब सवालों के बावजूद, इन सब बातों के बरक्स, पाकिस्तान में ये हालात आज पहले की नस्बत ज्यादा खराब नजर आते हैं। इस सब की बड़ी वजह पाकिस्तान में सियासतदानों की आपस में रंजिश, हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इजाफी टैक्सेस, और अवाम में कारोबार को लेकर कम रुझान है। अब जरा एक नज़र इस खित्ते की तारीख पर डालते हैं। दोस्तों, हजारों साल तक ये खित्ता पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए खासा मकबूल रहा है। यहाँ तक कि 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इसी खित्ते से की जा रही थी। लेकिन इसके बाद 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत ने इस खित्ते के 2 टुकड़े कर दिए, और हर तरफ गरीबी और भूख के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस सब के नतीजे में 1947 का पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। 1947 में ये दोनों मुल्क लैक ऑफ रिसोर्सेज, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे, और ये दोनों ममालिक अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक काम ऐसा था जिसमें भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। 1985 से 1991 के दौरान भारत ने अपनी मईशत को एक खास ट्रैक पर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, और इसी दौरान भारत ने बहुत गौर से अपने आसपास के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक को स्टडी करना शुरू कर दिया। और इसी गौर फिक्र की वजह से भारत को एक हमसाया मुल्क चाइना से एक ऐसा आइडिया मिल गया जिसने भारत की मईशत को एक नई जिंदगी बख्श दी। लेकिन दूसरी जानब, जब भारत अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए शदीद काम कर रहा था, वहीं पाकिस्तान में इसके बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। पाकिस्तान में 1970 से 1990 का दौर मईशत के हवाले से बहुत खराब रहा, क्योंकि पाकिस्तान को इस अरसे के दौरान मार्शल लॉ और शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गहरे बादलों में घेर चुका था, और कोई भी हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही थी, और हर 2 से 3 साल बाद हुकूमत तब्दील की जा रही थी। मुल्क के इन हालात को देखते हुए बहुत सा इन्वेस्टर अब पाकिस्तान छोड़कर जा रहा था। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया था। लेकिन 1991 में भारत ने पहली बार चाइना की नकल करते हुए अपने मुल्क में ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया, यानी अब दूसरे ममालिक के लोग अपनी कंपनी भारत में शुरू कर सकते थे। भारत के इसी पॉलिसी की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आज भारत में अपने ऑफिसेज बना रही हैं, और इसी तरह 1991 के बाद से आज तक भारत अपनी मईशत में खासी तरक्की करता नजर आता है, और ना ही मुल्क को मार्शल लॉ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। अब भारत के पास बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले आती है अंग्रेजी जुबान। यानी भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला मुल्क है। दूसरे नंबर पर आती है लेबर कास्ट। अब भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ साथ सस्ती लेबर भी थी, यानी अब बाहर से आए इन्वेस्टर को भारत में काम करने के लिए कोई भी मसला नहीं था। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था आबादी।
अब भारत की आबादी का 58% हिस्सा 30 साल से कम उम्र है, यानी भारत में काम करने वाली लेबर्स की भी कोई कमी नहीं थी। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आज भारत की स्टेट तमिलनाडु में इंडियन कंपनी टाटा एप्पल कंपनी के लेटेस्ट आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा कुछ सालों में भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन्स बनाने वाला मुल्क बनने जा रहा है। अभी एप्पल स्टोर भी खुला है इतना बड़ा। तमगा पहले चाइना के पास था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के पास आता नजर आ रहा है। इन सब के अलावा सैमसंग और इस जैसी दूसरी कंपनीज भी भारत में अपने ऑफिसेस को खोलने जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, हर मुल्क में खूबियों के साथ साथ कुछ खामियां भी मौजूद होती हैं। आज भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा शदीद गुर्बत में मुब्तला है, जिन पर भारत को काम करने की शदीद ज़रूरत है। वहीं पाकिस्तान अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत से नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता नजर आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका मंसूबा CPAC भी शामिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान लाखों डॉलर्स की ट्रेड करने लगेगा और पाकिस्तान में ग्वादर की बंदरगाह पूरी दुनिया में सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक बन जाएगी और पाकिस्तान में बहुत से रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को भी भारत की तरह दूसरी पॉलिसीज को अपने मुल्क में लाने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में भी दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स आकर अपना कारोबार कर सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जी, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। तो ना कि स्टार्टिंग से दोनों कंट्रीज अलग हुई, फिर दोनों ने क्या कुछ किया, और जब अलग हुई, पार्टीशन हुआ ब्रिटिश हुकूमत के बाद, तो दोनों में मसले थे। लेकिन फिर इंडिया ने काम किया, उन्होंने फिर दूसरे कंट्रीज को स्टडी करना शुरू किया और वो पॉलिसीज अपने यहाँ लाए, पॉलिसी अपनाई कि दूसरी जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो हमारे मुल्क में आ सकती है। उसकी वजह से बहुत हेल्प आउट। 1970 से 90 तक पाकिस्तान किन मसलों में घिरा रहा वो उन्होंने बताया। तो यह है कि इंडिया में आज वो बता रहे हैं, जो कि हमने भी देखा हुआ है कि एप्पल के फोन्स वहां मैन्युफैक्चर हुआ करेंगे, सैमसंग के तो हो रहे हैं, एप्पल का इतना बड़ा स्टोर भी ओपन हुआ है। वो बता रहे हैं कि चाइना को टेक ओवर करने वाला इंडिया अभी पांचवें नंबर पे है इकोनॉमी के, अभी थर्ड पे जापान को टेक ओवर करेगा। और अभी रिसेंटली मैंने सुना टेस्ला, इलोन मस्क ने टेस्ला के लिए लीज पे कोई ले लिया है जगह कि टेस्ला वहाँ आने वाली है। तो ये चीजें हैं जो एक मुल्क को यूं ग्राफ को ना इस तरह ऊपर लेकर जाती हैं, और ये हो रही है। और इंडिया की कितने हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं हर दूसरे। एक अभी भी एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पॉवर्टी है, उसमें भी शायद काम हो रहा है। देखें, परफेक्ट तो कोई चीज नहीं होती, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये होता है कि आप उसको इम्प्रूव करते रहें, ऐसा छोड़ना नहीं है। तो इंडिया में इतनी चीजें बन चुकी हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं कि उसमें जॉब्स भी बहुत ज्यादा लोगों को क्रिएट हो रही हैं। हाँ, हर चीज में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अभी सिंपल सी बात है, हमने पिछले दिनों एयरपोर्ट देखा राजकोट का, प्रगति मैदान देखा, उसमें मुझसे पूछी थी प्रगति मैदान में ये जो कंप्यूटर्स पड़े हैं, ऑफिस हैं, यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मैंने कहा होंगी, राजकोट एयरपोर्ट जो बना उसमें जॉब्स होंगी, क्रिएट होंगी। तो ये सारी चीजें, बाकी पाकिस्तान का CPAC बता रहे थे, CPAC पे काम चल रहा है, उस पे चल रहा है। तो बाकी ये कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप एक ऐसी चीज है ना कि जो आपको सहारा देती है, तो होप अच्छी रखनी चाहिए। हम भी अच्छी होप रखते हैं हर चीज के लिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, रिएक्शन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सो यू वांट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग्स में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे नए डिफरेंट रिएक्शन डेली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।